हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? व्हेन प्रोटॉन, अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब टुगेदरली कंबाइंड होकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, मास डिफेक्ट हो जाता है एंड अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टाइन दैट मास इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी विच बाइंड द न्यूक्लियस। वही एनर्जी वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और वही एनर्जी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। तो न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए उस एनर्जी के अगेंस्ट हमें जो एनर्जी चाहिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आइसोलेट न्यूक्लियॉन्स अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और कैसे? ये क्या है हमारा मास डिफेक्ट, मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियस का मास, तो ये मास डिफेक्ट है इनटू 6 स्क्वायर। ये जूल में इसको कैलकुलेट कर लेंगे इफ केजी में है। अगर मास डिफेक्ट आपने एएमयू में लिया तो 931 से मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट एमईवी में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होती है वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। दो नियरेस्ट न्यूक्लियस में से एक ज्यादा स्टेबल हो सकता है बिकॉज उसकी, फॉर एग्जाम्पल 1H2 है, अप्रोक्स 1.01 है एंड 2He4 है नियरेस्ट वाला, इसके जस्ट इसकी बहुत ज्यादा 7.07 MeV पर न्यूक्लियॉन। तो नियरेस्ट वाले किन्हीं दो न्यूक्लियस में एक की बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है। इट मींस अल्फा इज मोर स्टेबल, अल्फा का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है देन दैट ऑफ ड्यूट्रॉन। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग और डिवाइडेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस इंटू टू स्मॉल और लाइट न्यूक्लियस, ये किया था जर्मनी के साइंटिस्ट मैटनर फ्रिस ने। तो जब यूरेनियम 235 जो हैवी न्यूक्लियस है उन्हीं में एक फिनोमिना देखा गया, जब उस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की तो यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करके 236 में कन्वर्ट हो गया जो कि अनस्टेबल है। ऑटोमेटिकली ही क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, बेरियम क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ऑलवेज बेरियम क्रिप्टन में मोलिब्डेनम अनादरी बनते हैं, 20 एलिमेंट के अप्रोक्स 190-180 के आसपास अभी तक हमें आइसोटोप्स मिल चुके हैं इसमें, और एनर्जी कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा डिफरेंट। ये जो नए न्यूट्रॉन मिलते हैं ये नए न्यूट्रॉन आगे फिशन करते हैं तो एक चेन बन जाती है जिसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। उसके लिए डेफिनेट साइज चाहिए, उस डेफिनेट साइज को कहते हैं क्रिटिकल साइज, स्मॉल साइज में नहीं चलती है। इसलिए जो हमारे एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एटम बॉम्ब है उनमें स्मॉल स्मॉल पीस के रूप में उसको रखते हैं यूरेनियम को। तो इस रिएक्शन में कितना मास डिफेक्ट हुआ? 0.215 एएमयू, तो कितनी एनर्जी अप्रोक्स इनटू 931 अप्रोक्स 200 एमईवी एक यूरेनियम न्यूक्लियस से हमें मिलती है। सो अगर हम 1 ग्राम न्यूक्लियस का क्या कर लें फिशन, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वी विल गेट। चेन जो बनती है वो दो तरह की होती है, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड। अगर डेफिनेट क्वांटिटी में ही हर बार उतने ही इलेक्ट्रॉन बाकी को हम क्या करें, रोक दें, स्टॉप कर दें, तो वो कंट्रोल्ड है और उसमें जो एनर्जी लिबरेट होगी पैदा होगी दैट इज यूजफुल। एग्जाम्पल है रिएक्टर। और जो अनकंट्रोल्ड है उसमें जो नए न्यूट्रॉन है वो सब कंटिन्यूअसली आगे 1 to 3, 3 to 9, 9 to 27, 81 to 43 इस तरह से चेन बढ़ जाती है एंड विद इन मोमेंट फ्रैक्शन। तो क्या होता है कि 1 second, 2 second, 3 second में होल सब्सटेंस एकदम से एनर्जी क्रिएट करता है, दैट इज डिस्ट्रॉयिंग एटम बॉम्ब। इसमें जो रिमेनिंग होता है वो हार्मफुल होता है, जो रिमेन बचता है ये काफी दिनों तक इसमें से निकलता रहता है रेडिएशन, तो इनको डेजर्ट में या सी ओशियन के अंदर स्टील ड्रम में भरकर डुबो देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट अपोजिट फिनोमेना, टू लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसमें कोई रिमेनिंग नहीं रहता, पोल्यूशन नहीं होता, ये बेटर है। बट इसके लिए क्या है कि वो कंडीशन चाहिए फ्यूजन कराने के लिए वेरी, जब दो न्यूक्लियस क्लोज आएंगे तो पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो क्या करेंगे रिपेयर, वेरी हाई प्रेशर एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेरी हाई टेम्परेचर जस्ट लाइक एट सन। नेचुरली कहां होता है, सन के अंदर होता है। और अगर आर्टिफिशियली रूप से हम करना चाहें इसको अर्थ पे तो एटम बॉम्ब के ब्लास्ट के टाइम पे ऐसा हो सकता है। तो जब हम बनाते हैं फ्यूजन बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब तो क्या करते हैं उसके इन बिटवीन मिडिल में क्या रखते हैं, एटम बॉम्ब रखते हैं एंड ऑलवेज एक जैसी रिएक्शन नहीं होती। देखिए दो न्यूट्रॉन कभी हीलियम में कन्वर्ट हो गए एनर्जी देते हैं कभी, और न्यूट्रॉन देते हैं, और कभी दो न्यूट्रॉन ट्राइटियम बनाते हैं साथ में प्रोटॉन ही एनर्जी देते हैं, तो डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। सन में इसी तरह से एनर्जी पैदा हो रही है फ्यूजन से, सन का जो मास है पर सेकंड वेरी स्पीड से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
और सन के अंदर क्या होता है, जो 90% पार्ट है इनर कोर में वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, बाकी लाइट एलिमेंट है। तो सन में इसी तरह से एनर्जी फ्यूजन से मिलती है। थैंक यू।